हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और सबसे पहले आज आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी मेरा व्लॉग जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। और अभी मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गया है, मेरा दिन शुरू हो गया है। आज है सोमवार का दिन और मैंने रखा है सावन के पहले सोमवार का व्रत रखा है मैंने ये। और जो है मैं मंदिर तो नहीं जा पाई क्योंकि सुबह मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं मंदिर जाऊं। तो जो मेरे घर में ही शिवलिंग हैं तो उनको मैंने जो है अभिषेक किया उनका घर पे ही, और जैसा मैं कर सकती थी वैसा मैंने किया। और यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, मैंने बेलपत्र मंगवाए थे और वो मेरे किचन में ही रखे रह गए जब मैं प्लेट लेके गई थी ऊपर, वो मुझे याद ही नहीं रहा। तो यहाँ पर मैंने सिंपली जो है जल चढ़ाया है, जल के बाद यहाँ पे मैंने चढ़ाया है दूध, दूध के बाद चढ़ाऊंगी मैं यहाँ पर शहद, और फिर इनका अभिषेक करके इनका तिलक करके, और बस लगातार मैं यहाँ पर शिव चालीसा पढ़ रही हूँ। शिव चालीसा करके ही बस फिर मैं आरती कर लूँगी। और ये शिव चालीसा मैंने तभी से शुरू कर दिया था जब से मैं बस ऊपर पहुँची थी, क्योंकि इतना समय नहीं था कि मैं बिल्कुल प्रॉपर तभी शुरू करती वहीं पर बैठकर। एक काम के हिसाब से भी थोड़ा पूजा की जाती है, तो बस जैसे भी मैंने सिंपल तरीके से की तो बस पूजा कर ली। और ये दोबारा इसमें थोड़ा सा मीठा रह रहा था नीचे, तो वो मैं सोची थी सारा जल इसमें आ जाए, वरना तो वो धुलेंगे तो फिर वो नाली में जाता है। और बस मैं यहाँ पर बस इनका तिलक करके बस अब ये स्वास्तिक बना दूंगी मैं गमले पर ही अपने। और ये तुलसा जी आपको सूखी हुई लग रही होंगी, बट ये सूखी हुई नहीं है, ऊपर की तरफ से जो इनकी कोपल होती है ना वो फूट चुकी हैं, तो ये सूखी हुई तुलसा नहीं है। और जड़ में जहाँ शिवलिंग रखे हैं इसके आसपास जो हैं कम से कम 7-8 तुलसा जी नई जम रही हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ ये हरी हो जाएंगी तुलसा जी तो भी ठीक है, वरना इनके नीचे से जो है इनके बीच से दूसरी तुलसा जी तो आ ही रही हैं, तो मैं उनको उठाकर अलग अलग गमलों में रख दूंगी। तो इस तरीके से बस जैसे भी मेरा तरीका है पूजा करने का, मैंने पूजा कर ली है और बस उसके बाद मैं नीचे आ जाऊंगी। और नीचे आकर क्योंकि छत पे रखी है ना मेरी तुलसा जी, तो फिर मैं नीचे आके जल्दी से नीचे का वर्क कर लूँगी। और ऊपर चल रही थी हवा तो बड़ी मुश्किल से दीपक तो मैं जला के ले गई थी नीचे से ही, तो वहाँ पर धूप बत्ती बड़ी मुश्किल से जल पा रही थी। और बस मैं उनकी आरती कर लूँगी। यहाँ पर मेरी जो है आरती पहले ही शुरू हो गई थी और मैंने प्लेट बाद में घुमाई है, उधर सूर्य देवता भी निकल आए थे। वरना मोस्टली क्या होता है, मैं जल उस टाइम दे आती हूँ जब सूरज देवता नहीं निकलते हैं, मतलब बहुत कभी कभार तो बादल में रहते हैं और कभी कभार नहीं भी निकलते हैं, थोड़ा जल्दी दे आती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और सबसे पहले तो आज आपको सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है मेरा सोमवार का व्रत और मैं नहा के मैंने पूजा वगैरह कर ली है और मैं अभी रेडी हो रही हूँ स्कूल के लिए। तो जितना भी ब्लॉग है मैं आज आने के बाद ही शुरू करूँगी, अभी स्टार्टिंग यहाँ से कर दी है। और बाकी सब जो भी वर्क है वो सारा मैं घर का आपको दिखाऊँगी स्कूल से आने के बाद, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। सुबह से मैंने इसलिए नहीं शुरू किया है क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी देर हो गई थी। अब मोस्टली वैसे तो देर रोज ही हो जाती है क्योंकि इतना सारा काम होता है सुबह के समय में, बहुत सारा लंच तैयार करना, थोड़े खाने की भी तैयारी करके जाना और घर की साफ सफाई, बहुत सारे काम रहते हैं, और फिर रेडी होकर स्कूल जाना पड़ता है। और स्कूल भी थोड़े अच्छे से जाना पड़ता है, एज ए लुक लाइक अ टीचर, एक जो पर्सनालिटी होती है टीचर की उसके अकॉर्डिंग जाना होता है। तो यहाँ पर मैंने रख ली है अपनी साड़ी और मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मेरी कौन सी यूनिफॉर्म की एक साड़ी होती है, वैसे तो पहन जाते हैं कोई और भी साड़ी, बट जो मतलब वियरिंग करने के लिए जो अलाउ है स्कूल में वो स्कूल की साड़ी है, तो वो मैं आपको दिखा दूंगी कि कौन सी साड़ी है स्कूल वाली। तो जो है, और हाँ एक बोल रहे थे कि आप कैसे टीचिंग कर रही हो, आपको तो स्पेलिंग भी नहीं आती है। अरे सर, स्पेलिंग तो मिस्टेक हो जाती है, जल्दी जल्दी में टाइप हो जाती है, वैसे तो कोई बात नहीं। अगर आप लोग मतलब मुझे पढ़ाना चाहते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, अगर आप मुझे टीच करना चाहते हैं तो आई एम रेडी। चलिएगा, ऐसे कमेंट्स आते ही रहते हैं, है ना? तो इट्स ओके, वो ब्लॉग में बने रहिएगा, मिलते हैं स्कूल से आने के बाद।
और ये छोटी सी क्लिप मैंने बना ली है अपनी किचन की, इसको भी देख लीजिए, ये कुछ इस तरीके से तैयार हुई है। और ये पता नहीं आप सबको कैसी लग रही होगी, आपको शायद नॉर्मल लग रही हो, पर ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी है क्योंकि मैंने अपने काफ़ी मन से तैयार कराई है। और जैसा भी जिसका जो होता है, एक जैसा मिडिल क्लास में जैसा भी घर होता है, जैसी सब चीज़ें होती हैं, ऐसी मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मुझे तो बहुत पसंद आई, हो सकता है आपको पसंद आई भी हो और नहीं भी। तो ये इस तरीके का कुछ रेडी हुई है और मैंने अभी पूरी तरह से क्लीन कर ली है, बस थोड़ा सा फ़र्श पे जो सीमेंट वगैरह उन्होंने मिलाया था तो वो मैंने साफ़ करना है, वो मैं कर दूँगी। और इधर मेरा लंच रेडी रखा है और मेरी वाटर बॉटल। आज दक्ष स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि वो मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट हो गया उठने में, वो मैंने आपको बताया था ना कि गांव में वो सब शूटिंग वगैरह का चल रहा है, तो वो बच्चे वो सब वहाँ लेट हो गए थे शूटिंग देखने के लिए, देखने में, तो इसीलिए वो सुबह नहीं उठ पाया। तो फिर मैंने भी सोने दिया, मैंने कहा चलो सोने देते हैं इसको। और अब मैं चले जा रही हूँ स्कूल, मतलब जा नहीं रही हूँ, जाके भी आ गई हूँ। तो ये मैंने उस समय तो मैं लेट हो गई थी काफ़ी क्योंकि मेरी स्कूल बस आ गई थी, और ये आने का समय है जब मैं दोपहर में आ रही थी। और देखिए कितनी चिलचिलाती धूप हो रही है। और बस ये साड़ी है मेरी स्कूल की, जो ये साड़ी मैंने वेयर कर रखी है, स्कूल यूनिफॉर्म की है ये। और देखिएगा कोई भी नहीं दिखाई देता है दोपहर के समय में गांव में, सब लोग सब आराम से रेस्ट करते हैं घरों में और हम आ रहे हैं स्कूल से। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।